भारत देश की सीमाओं पर आसमान से भी सटीक नजर रखने में जल्द ही सक्षम हो जाएगा। यही नहीं, वो प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी करने में भी योग्यता हासिल कर लेगा। दरअसल ये सब होगा इस महीने की 28 तारीख को प्रक्षेपित किए जाने वाले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह से। जीसेट एक नामक उपग्रह को आंध्र प्रदेश के निलोर जिले में स्थित श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F10 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 28 मार्च को इस जियो इमर्जिंग उपग्रह को प्रक्षेपित करना चाहते हैं। हालांकि इसका 28 मार्च को प्रक्षेपण मौसम की स्थितियों पर भी निर्भर करेगा। इस उपग्रह जीसेट 1 को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। समाचार एजेंसी PTI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस उपग्रह का प्रक्षेपण तो पिछले साल 5 मार्च में ही होने वाला था, लेकिन इसे तकनीकी कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया था। अंतरिक्ष विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि GSLV-F10 के जरिए जीसेट का प्रक्षेपण भारत के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि ये उपग्रह हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस होगा, जिनकी मदद से भारतीय सीमाओं और महासागरों पर नजर रखी जाएगी। यही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी इसे काफी मदद मिलेगी। इसकी मदद से किसी भी प्राकृतिक आपदा की त्वरित निगरानी की जा सकेगी। इसरो के मुताबिक उपग्रह जीसेट 1 एक अत्याधुनिक पर्यवेक्षण उपग्रह है, जिसका वजन 2268 किलोग्राम है। इसरो प्रमुख K7 का कहना है कि जिन तकनीकी समस्याओं के चलते जीसेट 1 मिशन को स्थगित कर दिया गया था, उसका समाधान हो गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण भी इसके परीक्षण में देरी हुई। मालूम हो कि इसरो ने 28 फरवरी को अपनी कमर्शियल इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पहले मिशन के तहत बीते रविवार को ब्राजील के अमेजोनिया 1 समेत 18 अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया था।